Well, a very beautiful morning to you all, dear children. I'm Asis sir, and welcome back to my online classes. Today, our today's class will be very important, right? And today, I am here with a new topic of English grammar, speech. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग जनरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं ना, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा एकदम हल्का सा लेना है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट. बहुत सारे लोग डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट, ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहेगा, है ना. चलिए खैर, नाउ बैक टू द पॉइंट, स्पीच. ठीक है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आपको अगर कुछ सीखना है और आपको यदि ट्वेल्थ लेवल तक यानी क्लास ट्वेल्थ तक यदि स्पीच के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, राइट. ये क्लास आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है. इसको आप लास्ट तक एकदम अच्छे से वॉच करोगे, नोटिस करोगे. एक बार में पूरी तरह से समझ नहीं आती है तो आप सेकेंड टाइम देखो, थर्ड टाइम देखो, दो से तीन बार देखते देखते तक आपका मतलब 90% जो डाउट है इसका पार्ट्स ऑफ ये सॉरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, वो 90% आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा डाउट, राइट. आप एकदम ध्यान से स्टडी करोगे और देखोगे एकदम छोटी छोटी चीज़ों को आज हम लोग स्टडी करेंगे डेफिनेशन के साथ. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास अभी तक ऐसा कमेंट आया है कि सर इसमें बहुत सारे डाउट हैं. तो इस वीडियो के मीडियम से माध्यम से मैं आपके इस सारे डाउट्स को क्लियर कराने का प्रयास करूंगा, राइट. आई विल ट्राई. लेट्स बिगिन. स्पीच, व्हाट इज स्पीच? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पीच, राइट. स्पीच मीन्स व्हाट एवर वी टॉक और से जो भी हम बातचीत करते हैं किसी से, किसी को कुछ भी बोलते हैं या जो भी चीज़ होता है वो एक दूसरे को जो शेयर करते हैं हम लोग वर्ड्स में उसको स्पीच बोलते हैं ना. वाट एवर वी टॉक और से, राइट, इज नोन एज स्पीच. क्लियर. तो ये था स्पीच हमारा. अब चलते हैं, स्पीच को दो तरीके से बोला जाता है, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. क्लियर. अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच. क्लियर. स्पीच यू हैव डन ना, स्पीच मींस व्हाट एवर वी टॉक और से. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज स्पीच देन यू विल हैव टू टेल स्पीच मींस व्हाट एवर वी टॉक और से. क्लियर. जो भी हम बात करते हो क्या होता है हमारा, स्पीच होता है. अच्छा, स्पीच में बहुत सारे वर्ड्स शामिल होते हैं ना, एक दो वर्ड से तो होता नहीं है. और उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो डिफरेंट वर्ड्स जो डिफरेंट जॉब करते हैं, मतलब सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्क करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, यानी स्पीच का ही पार्ट्स होता है. चलो आगे चलते हैं. खैर, अभी हम लोग को स्पीच पढ़ना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट. वी हैव रीड अबाउट फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज इन चैप्टर. ठीक है, एक चैप्टर में हम लोग, हालांकि हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि आपको सेंटेंसेज जो हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं, जनरली फाइव काइंड्स होते हैं ना. अभी तक आप फोर काइंड्स पढ़े होंगे, लेकिन एक और आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, मैं अभी डिस्क्राइब करूँगा, राइट. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इन दिस लेसन वी विल रीड डेफिनेशंस of speech, kinds of speech and their definitions, examples, exercises, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे, राइट. तो फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज दे आर असर्टिव सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, राइट. ये फाइव काइंड्स होते हैं और इसी फाइव काइंड्स को वन बाय वन करके हम लोग अच्छे से
स्पीच को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इसे नरेशन भी हम लोग जनरली बोलते हैं, क्लियर? चलिए अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच आखिर होता क्या है, राइट? और इसके अदर किस नाम से जाने जाते हैं ये दोनों, राइट? तो डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो नॉन एज कोटेड स्पीच, आप नोट डाउन करोगे, डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो नॉन एज कोटेड स्पीच। ये कोटेड क्या होता है अब आप पूछोगे, ठीक है? कोटेशन मार्क, आप देखे हो ना कोटेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखोगे इस टाइप से अंदर में कुछ सेंटेंसेज लिखे ही रहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग कोटेशन स्पीच। यानी कि इसको हम लोग कोटेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं ना, यानी डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो नॉन एज कोटेड स्पीच। एकदम कॉपी खोल करके रखो अपने पास, ओपन करके, क्योंकि आपको कभी भी नोट डाउन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। वीडियो को पॉज कर करके आप नोट डाउन करते जाओ एक साथ, क्लियर? तो डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो नॉन एज कोटेड स्पीच, राइट, कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। ये किस चीज़ का बना होता है? ये जो है वो वर्ड्स से और फ्रेजेस से बने होते हैं, राइट, आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। ये एकदम डायरेक्ट जिस तरीके से हम बात करते हैं, बोलते हैं, उसी फॉर्म में उसको क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस कर देते हैं, उसी फॉर्म में हम उसे लिख देते हैं या उसी फॉर्म में किसी के सामने बोल देते हैं, ठीक है? वही होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन ये होगा, सबसे पहले तो डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो नॉन एज कोटेड स्पीच, राइट, उसके बाद कॉमा देना, फिर लिखना आप कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, क्लियर? ये था डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन। अब चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ऑल्सो नॉन एज रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट को हम लोग क्या कहते थे, कोटेड स्पीच, लेकिन ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो नॉन एज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है? कॉमा देना, फिर लिखना इज व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपोर्टेड इन आवर ऑन वर्ड्स, यानी स्पीकर के, आवर मीन्स स्पीकर, स्पीकर के ऑन वर्ड्स में जो बोलता है उसके ऑन वर्ड्स, उसी के वर्ड्स में क्या करना, एक्सप्रेस कर देना ही इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। वंस अगेन यू हैव टू लिसन द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच ऑल्सो नॉन एज कोटेड स्पीच कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, राइट। इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो नॉन एज रिपोर्टेड स्पीच is when words or phrases are reported in our own words. That's all. Clear? Any doubt? No doubt? Well done. Next, चलिए अब देखते हैं कि आखिर direct to indirect जो है assertive sentences में इसका क्या method है, इसका क्या rules है change करने का, right? अच्छा, ये assertive sentence क्या होता है आपको पता है ना? Assertive में दोनों आते हैं, असर्टिव के दो सब काइंड्स होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों सेंटेंस जो होता है, यानी कि अफर्मेटिव और निगेटिव जो दोनों सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव को अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं, ये दोनों सेंटेंसेज जो हैं वो असर्टिव सेंटेंस के ही सब काइंड्स है। तो इसके आखिर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग वन बाय वन करके स्टडी अभी करने वाले हैं, राइट। आप देखिए, द रिपोर्टिंग वर्ब से इज चेंज इनटू टेल इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, अदरवाइज इट रिमेंस अनचेंज्ड, राइट। अब हमारा एक वर्ड आ गया रिपोर्टिंग वर्ब, केयरफुली स्टडी करना आप, क्योंकि एक एक डाउट को मैं क्लियर कराने जा रहा हूं। आप हमेशा सुनते होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, और आपको समझ में नहीं आता होगा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, राइट। तो आप पहले डेफिनेशन लिखो रिपोर्टिंग वर्ब का, राइट। रिपोर्टिंग वर्ब देकर लिखकर आप डैश दो और इसका डेफिनेशन लिखो, राइट। डेफिनेशन, व्हेन वी टेल समवन, व्हेन
we tell someone what another person said. When we tell someone what another person said, we often use the verbs say, tell, or ask. These are called reporting verbs. Again, when we tell someone what another person said, comma, we often use the verbs say, tell, or ask. These are called reporting verb. Right? आप देखते होगे say, tell, says, ask, asks. ये सारे जो से यहाँ पे said भी आप लिख सकते हो past form में, ये सारे जो words जो दिए रहते हैं किसमें, direct speech में आप ध्यान दो, उसी को हम लोग कहते हैं reporting verb. अभी एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. रिपोर्टेड स्पीच इज व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट समबडी एल्स सेड. रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच मींस, इसका मतलब क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच इज व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट समबडी एल्स सेड. कोई आखिर कोई भी पर्सन, कोई भी सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, राइट ना, उसी के वर्ड्स में जो है वो हम जब उसके वर्ड्स में ना दे करके हम उस चीज को अपने वर्ड्स में जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच करते हैं, राइट. यानी सामने वाला क्या बोल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखे हो ना, वही रिपोर्टेड स्पीच होता है. रिपोर्टिंग वर्ब उससे बाहर जो रहता है जिसमें टेल, सेज, आस्क, आस्क्स, ठीक है, सैड, ये सब जो लगा रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, राइट. चलो अब आते हैं, नाउ बैक टू द पॉइंट. फर्स्ट रूल ये है कि से को जो है वो अफर्मेटिव में अगर से रहे तो उसे हम लोग टेल में चेंज करते हैं. किसमें, इन डायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट में अगर से रहे तो उसको टेल में चेंज करना है, से रहे तो टेल में चेंज करना है. कब, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट हो. ही सेड टू मी, सॉरी, ही सेज टू मी, आई से टू यू. समझ में आ रहा है ना, यानी ऑब्जेक्ट रहे. यू क्या हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. आप ध्यान दो, यहाँ पे ये रहता है ना, ही सेज टू मी, यहाँ पर देखिए सेज के बाद क्या आ गया, मी आ गया, मी आया ना. तो इसको किस में चेंज करेंगे, हम टेल में चेंज करेंगे. अगर यहाँ पे पास्ट फॉर्म रहता सैड, तो इसको टोल्ड में चेंज करते हैं हम लोग. किसमें, टोल्ड में. लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब, अदरवाइज इट रिमेंस अनचेंज्ड. नहीं तो ये अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा. यदि ही सेज रहेगा, सिर्फ ही सेज, यदि इसको हम रिमूव कर देते हैं तब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ क्या होगा, सेम, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, राइट ना. सेकेंड रूल्स देखते हैं, रिमूव द कॉमा एंड द इन्वर्टेड कॉमास एंड स्टार्ट द रिपोर्टेड स्पीच विद द कंजंक्शन दैट, राइट. अब देखो, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके वो जनरली क्या लगा देते हैं, उस जगह पे इनडायरेक्ट स्पीच में दैट लगा देते हैं. ये रूल्स आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो अभी हम बताएंगे आपको. नाउंस एंड प्रोनाउंस इन द वोकेटिव केस आर treated as object of their verbs. और इसमें जो noun और pronouns होते हैं ना vocative case में, वो किस तरह से treat करते हैं, object of their verbs, verbs के object के लिए, object के रूप में, right? बताएंगे अभी, तुरंत तुरंत clear करेंगे ये हम लोग. changes of tenses, pronouns and the words showing नियरनेस द कैरिट ऑन, राइट. इसके जो टेंसेज, टेंस के जो चेंजेज होते हैं ना, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स शोइंग नियरनेस आर कैरिड ऑन. अब इसमें जो टेंस होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं और ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें हम उसी के मूड में चेंज करते हैं, राइट. जैसे देखो, आप पहले समझो,
यदि सैड रहेगा, जैसे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीन टेंसेज होते हैं, तो तीनों टेंस का रूल्स जो है वो अलग अलग है। और क्या रूल्स है वो भी हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। राइट, अदर जनरल रूल्स आर ऑब्जर्व टू, कुछ कुछ और भी जनरल रूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। द टीचर सैड, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये पास्ट है ना, से का पास्ट फॉर्म क्या होता है, सैड होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। द टीचर सैड इन इन्वर्टेड कॉमास, राइट, इसी को बोलते हैं कोटेशन मार्क ना, ये दोनों तरफ जो है। सुरेश यू आर अ लेजी बॉय, टीचर ने क्या कहा भाई, सुरेश यू आर अ लेजी बॉय। लेकिन इसमें भी हम टोल्ड में चेंज करेंगे, द टीचर टोल्ड सुरेश दैट, टीचर सुरेश से क्या कहते हैं, क्या कहे, द टीचर टोल्ड सुरेश दैट, टीचर ने सुरेश से कहा, क्या कहा, दैट कि ही वॉज अ लेजी बॉय, वह क्या था, एकदम लेजी बॉय था यार। कहने का मतलब ये है कि ये इन्वर्टेड कॉमा को जब हम रिमूव करते हैं तो उसके बाद क्या लगाते हैं इसके जगह पे, दैट लगाते हैं ना, राइट। अच्छा, ये सैड को आप बोलो कि सर ये सैड को के जगह पे टोल्ड क्यों लगाया जबकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। तो ये कुछ कुछ ऐसे भी जनरल रूल्स होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे ही सैड टू मी, राइट, ही सैड टू मी, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ये होता है हमारा, ये पार्ट जो होता है ये क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो हुआ ये क्या हुआ, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और अंदर में जो कोटेशन मार्क के अंदर जो होता है ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये हमारा कंप्लीट हो गया रिपोर्टेड स्पीच। और ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, राइट ना। देखिए, ही सेड टू मी आई डू नॉट लाइक योर हैबिट्स, यार मैं तुम्हारे हैबिट्स बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा उसने कहा ना, कि मैं तुम्हारी हैबिट्स। अब देखो इसी के, ये जो बोला इसी के फॉर्म में हम लिख दिए ना, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें देखिए सेड टू मी है तो टोल्ड में चेंज कर देंगे, ही टोल्ड मी, टोल्ड क्यों लगाएंगे, क्योंकि पास्ट फॉर्म टेल का क्या होता है, टोल्ड होता है। मैं बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहे तो क्या लगाते हैं, टोल्ड लगाते हैं ना। दैट ही डिड नॉट लाइक माई हैबिट्स, किसके हैबिट्स, प्रोनाउन को चेंज किए, देखिए यहाँ प्रोनाउन को योर के जगह पे माई लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ भी सब्जेक्ट चेंज हो गया। तो ये ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट लाइक माई हैबिट, उसने ऐसा कहा, किसका हैबिट, आई का प्रोनाउन, आई का जो है वो पोजेसिव क्या होगा, यहाँ इसको देखेंगे हम कि आखिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से जो है वो क्या हम लोग लगाएंगे, प्रोनाउन। ये देखिए अभी फोर रूल्स क्या है, चेंजेस ऑफ टेंसेज एंड प्रोनाउन एंड द वर्ड शोइंग नियरनेस आर कैरीड ऑन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंदर, यहाँ जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लगाते हैं, पोजेसिव वर्ड लगाते हैं ना, यानी ये पोजेसिव वर्ड है ना, पोजेसिव वर्ड, वेल डन। तो ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट लाइक, किसके हैबिट, ही सेड टू मी, उसने कहा, किससे, मुझसे कहा, क्या, आई डू नॉट लाइक योर हैबिट्स, यानी योर हैबिट का बात हो रहा है, वह क्या कहता है कि मैं तुम्हारी हैबिट को पसंद नहीं करता हूँ। यानी जब हम अपने वर्ड में बोलेंगे तो ये ना बोलेंगे कि उसने मेरे से कहा, क्या कहा भाई, कि वो मेरे यार मेरे हैबिट्स को वो पसंद ही नहीं किया है ना, तो मेरे हैबिट्स, यानी वह मेरे, हमसे बोल रहा है, यहाँ पे लिसनर कौन है, हम हैं, तो लिसनर हम जब हैं तो आई का क्या होगा, माई हैबिट्स हो जाएगा, राइट। वह मेरे हैबिट्स को पसंद नहीं करता है। द टीचर सैड आई शैल नॉट टेक माई क्लास टूडे, ये फ्यूचर टेंस में, ध्यान देना यहाँ पे, ये पास्ट में नहीं है, द टीचर सैड, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो अगर पास्ट में है तो सारे सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच जो है पास्ट में होगा। आप ध्यान देना यहाँ पे, ये पास्ट, ये कुछ भी रहे, प्रेजेंट में रहे, पास्ट में रहे, फ्यूचर में रहे, ये पास्ट में ही हमेशा होगा। ये अगर ये आपका रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में हो, एकदम केयरफुली देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग, देखो तो सैड पास्ट में है क्या, टोल्ड पास्ट में है क्या, सैड पास्ट में है क्या, सैड पास्ट में है क्या, ये तीनों सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है। तो रिपोर्टेड स्पीच कुछ भी रहे, प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे, फ्यूचर रहे, आपको उसको पास्ट में ही चेंज करना पड़ेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखो फ्यूचर टेंस है ना, लेकिन ये पास्ट का बात हो रहा है। द टीचर सैड, टीचर ने क्या कहा, आई शैल नॉट टेक माई क्लास टूडे, मैं आज अपना क्लास नहीं लूंगा, राइट।
द टीचर सैड दैट, देखो यहाँ इसको रिमूव करके कोटेशन मार्क को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं. द टीचर सैड दैट, क्या द टीचर सैड, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे ही, यानी कि वह. टीचर ने क्या कहा कि वह वुड नॉट टेक हिज क्लास दैट डे, उस दिन क्लास क्या करने में भाई, लेने में अनेबल रहे ना, नहीं लिए, काम खत्म हो गया. ही वुड नॉट टेक हिज क्लास, यहाँ पे माई के जगह पे हिज क्लास, ठीक है. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पोजेसिव वर्ड जो है वो लगा देते हैं, ठीक है. हिज, हर, माई, माइन, ये सब पोजेसिव है ना. द टीचर सैड दैट ही वुड नॉट टेक हिज क्लास दैट डे. वेल, सेम टाइप्स का एग्जाम्पल कुछ देखते हैं जो इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में चेंज. अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें, लेकिन अब स्टडी करेंगे कि इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में कैसे चेंज करें, ठीक है. वाइल चेंजिंग असर्टिव सेंटेंसेज फ्रॉम इनडायरेक्ट फॉर्म टू डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, रूल्स आर गिवन अबव आर रिजर्व्ड, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. उसी को रिवर्स कर देना है, राइट ना. किसका, किसको रिवर्स कर देना है, पिछले वाले रूल्स को जो है उसको उल्टा कर देना है, जस्ट रिवर्स कर देना है, ठीक है. जैसे He told his mother that he would become a brave general one day, right? देखिए यहाँ पे told है, told में क्या चेंज करते हैं हम लोग, said में चेंज कर देते हैं, right? अगर यहाँ पे told me रहता तो क्या कर देते हम, said to me कर देते, right? समझ में आ रहा है ना, told me रहता तो said to me कर देते, right? अब ध्यान से यहाँ देखो, ऑब्जर्व करो, told his mother that he would become a brave general one day, right? He टोल्ड को किस में चेंज करेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे सैड में, सैड को उसमें किस में चेंज करते थे, टोल्ड में. सैड टू मी को किस में चेंज करते थे, टोल्ड मी में. तो यहाँ पे सिर्फ सैड है तो किस में चेंज करेंगे, सिर्फ टोल्ड है तो किस में चेंज करेंगे, सैड में चेंज करेंगे. यानी ये हो गया हमारा क्या, रिपोर्टेड, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया. अब रिपोर्टेड स्पीच में देखते हैं, इसके बाद क्या है हमारा, टोल्ड हिज मदर हिज सैड, किससे बोले भाई, मदर से. किससे बोले, मदर से, इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यानी कि दैट को हटा दिए और यहाँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर मदर को लगा दिए, मदर, राइट, कॉमा आइज. अब देखिए यहाँ ही वुड बिकम, ही के साथ वुड लगता है, यानी कि विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है. आपको मैं बताया था कि ये जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अगर पास्ट में हो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में होता है, यानी कि ये पास्ट में है और यहाँ वुड लगा हुआ है. वुड किसका पास्ट फॉर्म होता है, विल का पास्ट फॉर्म होता है, राइट ना. तो अब देखते हैं, हिज सैड मदर, अब इसके पास उसने कहा, किससे कहा भाई, किससे कहा, माँ से कहा, क्या कहा, आई. अब देखो यहाँ वुड, ही का पास्ट, विल का पास्ट फॉर्म वुड, तो भाई आई के साथ किया क्या लगना चाहिए, सैल लगना चाहिए, क्योंकि सैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, सूड होता है. तो यहाँ सूड से तो मतलब है नहीं, आई है तो विल लगेगा नहीं, सैल का यूज होगा. आई सैल बिकेम अ ब्रेव जनरल वन डे, राइट. हम आपको बताए थे कि ये यदि पास्ट में हो तो ये प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसको किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट में हमेशा चेंज करेंगे. तो भाई ये पास्ट में है और यहाँ वुड है, वाज वर्ड तो है नहीं, ठीक है, यहाँ वुड है. अगर यहाँ पे आई के साथ सूड रहता तो यहाँ क्या लगाते, तब भी सैल लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ ही लगा देते. अगर यहाँ पे आई वुड होता, यदि आई वुड रहता और सब्जेक्ट यहाँ पे अदर रहता, तो ये क्या लगा देते हम, मान लो आई रहता तो वहाँ पे, यहाँ पे ही लगा देते, ठीक है. ही सैड मदर, उसने माँ से कहा क्या, आई सेल बिकेम अ ब्रेव जनरल वन डे, मैं एक दिन क्या बनूंगा, एक ब्रेव जनरल एक दिन बनूंगा, राइट. कॉन्फिडेंस लेवल देखिए उसका, राइट. ये है फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, आई टोल्ड माला, मैंने माला से कहा, यानी कि इसको चेंज किस में करेंगे, आई सैड टू माला. क्लियर है यहाँ तक. अब देखिए दैट, दैट को रिमूव करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, कोटेशन मार्क लगाते हैं, ये कोटेशन मार्क लगा दिए, राइट. समझ में आ रहा है ना. उसके बाद देखो तो आई, आई में आई रहेगा तो नो चेंज, लेकिन ही में अगर आई रहेगा तो उसको ही में ही चेंज करते हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को. थर्ड पर्सन यदि रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, तो उसको जो है रिपोर्टेड स्पीच को भी फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे, लेकिन यदि शुरू में ही फर्स्ट पर्सन है तो इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे. दोनों जगह यदि फर्स्ट पर्सन आई आई है तो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई आई है तो आई सेम रहने देते हैं. देखो यहाँ आई आई सेम है ना, कोई चेंजिंग नो. अब देखो यहाँ पे आई वुड सी हर
सी हर द फॉलोइंग डे, राइट, आई वुड सी हर द फॉलोइंग डे. यहाँ पर वुड, वुड का भी प्रेजेंट यहाँ पे सेल ही लगेगा, चूंकि आई के साथ सेल लगता है ना कि विल लगता है, राइट. एनी डाउट? नो ना. अब देखिए, आई सैड टू माला, यानी मैंने माला से कहा क्या, आई सैल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कब देखूंगा, यानी मैं तुम्हें तुमसे कब मिलूंगा, कल मिलूंगा, राइट. आई सैल सी यू टुमारो, राइट. अब देखिए, आई सैड टू माला, आई सैल सी यू टुमारो, ये तो क्लियर हो गया. थर्ड सेंटेंस, यू टोल्ड हर दैट यू हैड डन इट. यू टोल्ड हर, किससे कहे, उससे, यानी यू टोल्ड हर. टोल्ड को किस में चेंज करेंगे, सैड टू में, और ऑब्जेक्ट हमारा इस वक्त क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का हर. अब देखो, अब दैट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, किस, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे कॉमा और फिर कोटेशन मार्क आई, उसके बाद यहाँ पे यू टोल्ड हर, तुमने उससे कहा, तो तुम उससे क्या कहोगे, उसके शब्द में क्या कहोगे, कि आई हैव डन इट, मैं इसे कर लिया, मैंने इसे कर लिया, या मैं इसे कर लिया हूँ, है ना, आई हैव डन इट, मैं इसे कर लिया हूँ. यू सैड टू हर, यानी यू टोल्ड हर को यू सैड टू में चेंज कर देंगे, सैड टू हर में, इसको रिमूव कर देंगे कोटेशन मार्क, और उसके वर्ड में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, आई का यूज करेंगे. यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे या प्लुरल नंबर रहे, उसमें हम लोग उसके वर्ड में यदि चेंज करते हैं तो आई का यूज करते हैं, बस ये समझो, राइट. आई हैव डन इट, यहाँ क्लियर है. नेक्स्ट, द एंजल टोल्ड अबू दैट His name was not there in that book. The angel told. Told को किस में चेंज करेंगे, said. अब यदि कोई नाम रहे तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेकर के अबू लिख दिए, उसके बाद कॉमा दिए, उसके बाद देखते हैं, यानी कि द एंजल टोल्ड, किससे बोल रही है एंजल, तो अबू से, ठीक है, अबू. अब देखिए, अबू से जब बोल रही है तो यही ना पूछेगी, वो पूछेगी क्या भाई, कि योर नेम इज़ नॉट देयर इन द, सॉरी, वो बोलेगी क्या, वो ये बोलेगी कि योर नेम इज़ नॉट, आपका नाम, यहाँ किसका बात हो रहा है, अबू का बात हो रहा है, तो इसमें क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट योर लगे, योर नेम इज़ नॉट देयर इन दिस बुक. सेंस को समझो, सिर्फ सेंस को समझ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट. यदि मैं आपसे बोलूँ तो अगर थर्ड पर्सन के पास बोलना रहे डायरेक्ट, तो क्या बोलेंगे, आपके वर्ड में हम यही ना बोलेंगे, योर, समझ में आ रहा है ना, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया भाई, यहाँ पे हिज नेम हो गया, लेकिन यहाँ पे योर नेम हो गया, राइट. अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 9693545170 पे आपको क्या करना है, यू हैव टू व्हाट्सएप मी, राइट, आफ्टर सॉल्विंग द एक्सरसाइज. दैट्स टेक होमवर्क. Exercise 1. Change is sentence to indirect form of speech. Right. Direct form is given. First, the teacher said, Prem is the best boy in my class. The angel said, Beauty needs no ornaments. ठीक है, इसी तरह से वीडियो को पॉज करके और सारे सेंटेंसेस को आप नोट डाउन कर लोगे, राइट. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2, ये देखिए आपका दिया हुआ, चेंज इज सेंटेंस टू डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द स्पीच, राइट. यहाँ पे भी आपके 8 सेंटेंसेस हैं और ये 8 को आपको चेंज करना है, राइट. जैसे फर्स्ट है, कमला सैड दैट सी वॉज अनवेल दैट डे, राइट. क्लियर, ये सारे सेंटेंसेस को सॉल्व करके और आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, सेंड करना है, राइट. आई होप कि आप इतना, जितना मैं बताया इतना आप अच्छे से समझे होंगे. नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो पार्ट होता है वो, उसके बारे में स्टडी करेंगे, कन्वर्शन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. इंटरोगेटिव में बहुत सारे डाउट्स हैं आपको, आपको मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता होगा सॉल्व करने में क्वेश्चन एग्ज़ाम के ड्यूरिंग, और एग्ज़ाम में आप अक्सर इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप गलत करके आ जाते हो जिससे आपका मार्क्स कट हो जाता है. तो उस मार्क्स को सेव करने के लिए आपका नेक्स्ट क्लास उस मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा, कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा, राइट. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे डियर चिल्ड्रेन, बाय.